हे गाइस वेलकम बैक। तो फाइनली वॉइस कवर वाली वीडियो आ चुकी है जो कि बहुत लोग बोल रहे थे और क्यों नहीं डाल रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अभी, तो ये समझ लो कि एग्ज़ाम थे इस वजह से नहीं डाल रहा था शॉर्ट्स और वीडियो। तो अब शॉर्ट्स और वीडियो डेली आएंगे। आप मेरे को बताना कि क्या ज़्यादा डालूं, वीडियो ज़्यादा डालूं वॉइस कर वाली या शॉर्ट्स ज़्यादा डालूं, जो को आपको अच्छे लगे। तो अब ये वाला गेम पे आते हैं। तो सामने यहाँ पे एक बंदा था, इसको मैंने नॉक कर दिया। और यहाँ पे जॉर्जेबल में बहुत स्कॉर थी और जैसे मैं इसको फिनिश करने जा रहा होता हूँ तो पीछे वाले बंदे मेरा किल खा लेते हैं और मेरे को भी डैमेज कर देते हैं और मेरे पास हीलिंग नहीं थी। और हाँ, मैं एक बात और बता दूँ आपको, जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ ये सारे रैंडम्स हैं, सब रैंडम्स हैं। तो आप कोऑर्डिनेशन और देखना, पहला मैच है मेरा। तो सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, इसको मैं नॉक डालता हूँ। अब मेरे को इसके पीछे एक और बंदा दिखता है, तो मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ मेरे को एडीएस देना और मैं पेड़ के कवर टू कवर जाता हूँ ताकि वो मेरे को फायर मार ना पाए। तो ये दो बंदों को मैं आराम से इजीली मार देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि हीलिंग, क्योंकि हीलिंग चाहिए था मेरे को क्योंकि इनके पास भी नहीं थी। और फिर यहाँ पे जॉर्जेबुल हो गया था क्लियर, एक आधा बॉट मार के अब हीलिंग लूट लाट के फिर हम आते हैं रोजॉक की साइड। रोजॉक भी नहीं कोई होता और स्कूल में हम आते हैं, स्कूल में कोई नहीं दिखता बट अपार्टमेंट से फायरिंग आती है। तो मैं जाता हूँ अपार्टमेंट और गाड़ी भी दिख जाती है हमें। तो अब बस अपार्टमेंट की फाइट देखो। अब मैं यहाँ पे आके रोकता हूँ कवर में, तो जो ही रैंडम है ये चिढ़ जाता है मेरे से, कुछ का कुछ बोलने लगता है मेरे को। और यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, यहाँ पे एक स्क्वाड नहीं है, एक या दो या तीन स्क्वाड है। जस्ट एक बंदा जैसे सामने है, मैंने इसको नॉक फिनिश किया। तो अब जाके मेरे को प्रॉपर लूट मिली जो मेरे को चाहिए थी, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ही खेल रहा था कि ऐसी ना कोई अटैचमेंट ना कुछ। तो अब जाके मेरे को जो गन मेरे को ठीक ठाक वो मिली। तो इतने में एक गाड़ी और एक तो स्क्वाड और आ जाती है यहाँ पे, मारा था बे। तो इतना एक ये बंदा नॉक। तो ये जो बंदा था इसका मेरे को साउंड नहीं आया, ये एकदम से मेरे मुंह पे आ गया। मैंने हल्का इसका डैमेज तो दिया बट ठीक है, मैं बच गया यहाँ पे, थैंक्स फॉर टीममेट, ठीक है। तो अब मेरे को ये रिवाइव देता है। अब देखो यहाँ पे होता क्या, मैं हील करता हूँ, मैंने बोलता हूँ भाई फाइट मत लो, मैं हील कर रहा हूँ, लो हूँ। और जो होना था इनके साथ वही हुआ, मतलब हुआ इनके साथ, देख लो आप। मैं जैसे हील खत्म किया, मैं जाता हूँ उनके पास, दो बंदे नॉक और तीनों नॉक एक ही स्प्रे में तीनों नॉक हो गए। तो अब वापस उनकी बहसबाजी चल रही होती है, आप सुनो। अब ये ज़रा देखो, अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। बस आप ये फाइट देखो, अब इसका एक बंदा मैं नॉक फिनिश डाल देता हूँ। अब इसके जो टीममेट है, जो एनिमी का जो टीममेट है, उसे लगता है मैं लो हूँ बट नहीं, वो आता है रश करता है और मैं इसको पेल देता हूँ। तो अपार्टमेंट में ये बंदे क्लियर हो चुके थे। अब मैं आता हूँ कोचिंग के से स्नाइपर लेते हैं अपनी, जो कि मेरी है ही फेवरेट AWM। तो कोचिंग के से हम लेते हैं। तो अब मैं अपार्ट्स के साथ फिर जा रहा होता हूँ कि देखता हूँ बंदे वहाँ मिल जाए, बट यहाँ पे फायर हो जाता है और मेरे को बंदा जग जाता है। तो सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, इसको रनिंग बॉडी शॉट, और इस बंदे को भी लगता नहीं है, कान के पास से निकल जाती है, इतनी भी अच्छी नहीं मेरी स्नाइपिंग। तो नहीं है, आगे पता चल जाएगा आपको, बस देखते रहो, खुद की तारीफ खुद कर लिया करो। मैं तो यही कहूँगा, आजकल कोई नहीं करता, तो देखो बस सस्ती स्नाइपिंग। तो मैं देखता हूँ कि कोई दिख जाए, नॉक डालूँ यहाँ से।
बट वो अपने में बिज़ी होते हैं, इधर आता ही नहीं कोई। मैंने कहा ये भी ठीक है तो हम चलते हैं। तो मैं जा रहा होता हूँ जैसे ही, तो वो स्क्वाड शायद फिनिश हो जाता है, हो जाती है। तो मेरे को ये बंदा दिखता है, बट ये ग्लिच था। मैं और क्लोज जाता हूँ, बट आप ये देखो, अब आप ये चीज़ देखना, तो इसको दो शॉट मारने के बाद अब इसका टीममेट आता है, को भी हेडशॉट तो नहीं पड़ा, बॉडी शॉट पड़ा, और मेरा टीममेट किलस गया। इसने थोड़ा डैमेज दिया, मैंने उसको मार दिया एक शॉट में। बस आप यहाँ पे अब एक चीज़ और देखना कि देखो, मैं यहाँ पे गाड़ी में बैठ के निकलने की कोशिश कर रहा था, मैंने ऊपर देखा स्कोप से, मेरे को लगा कि शायद कोई है वहाँ पे, शायद कोई है। जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ भाई, मेरा शक सही था, वहाँ पे स्क्वाड थी, एक नहीं पूरे चार बंदे, शायद चार या तीन बंदे थे। तो मैं हील करता हूँ, और मैं ट्राई करता हूँ किसी को एक आधा नॉक डाल के रश कर सकूँ, पर नहीं भाई, वो बंदे अच्छे से पीक नहीं दे रहे थे, या मेरी स्नाइपिंग सस्ती है, ये हो सकता है। तो मैं थोड़ा देखता हूँ एंगल वेंगल चेंज करके, कोई किसी की टपली फोड़ूँ, बट कोई दिखता ही नहीं है। और इतने में एक बंदा क्या करता है, लेफ्ट से रोटेट मार देता है बग्गी से, मैं उसे एक शॉट मारने की कोशिश करता हूँ, और वो बंदा मेरे स्प्रे में आ जाता है और इसको मैं नॉक कर देता हूँ। तो एक बंदा नॉक कर दिया मैंने, और मेरे टीममेट ने फिनिश भी कर दिया। अब देखो, मेरे पास वेस्ट नहीं थी, अब मैं सोचता हूँ कि ये पेटी लूट के फिर फाइट लूँ, ऐसे फाइट ना लूँ, तो मैं तो यहाँ पर स्मोक डाल देता हूँ। अब मेरे मन में ये था मैं लूटने जाऊँगा पहले, तो जैसे ही मैं इधर गया, मेरे को एक हेड दिखा एक बंदे का, और इसको हेड शॉट। अब इनका एक लास्ट बंदा था शायद, जो कि हीरा, इसको डैमेज देता हूँ। अब मैंने कहा यार पहले मार ही दो, फिर उठाएंगे हेलमेट वेस्ट जो भी चाहिए मेरे को। तो मैं जाता हूँ सीधा, अब देखो ये बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है शायद, ये सोचता है मैं किसको देखूँ इसको, अब शायद मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूज़ था। तो आप बताना क्या था, क्यों ये इस साइड को टीपी भी ले रहा था, या इसके ईयरफोन ख़राब थे, तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब दो साइड बंदे थे, एक तो ये छोटे वाले घर में, और एक वहाँ पे जहाँ पे रिकॉल सेंटर हुआ करता था अब पहले। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये बंदा उनको मार रहा होता है, तो हम इसे आगे मार नौ फिनिश डाल देते हैं। और अभी तक जितने भी मैंने बंदे मारे हैं इसमें, शायद मेरे को सारे ही कैंपर मिले हैं, बट ये सबसे गंदा कैंपर था, और शायद मेरी सस्ती स्नाइपिंग यहाँ पे अच्छी लगी होगी आपको, तो कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा शॉट ज़्यादा अच्छा लगा आपको। तो अब मैं हील करके जा रहा होता हूँ, और सामने फाइट चल रही होती है, तो अपने टीममेट को बोलता हूँ तो चले जा, मैं पैदल पैदल आऊँगा। जैसे ही जा रहा होता हूँ भाई, मतलब ये भैया जी कहाँ से प्रकट हुए, मैं घर पे देख रहा हूँ एकदम से ये भाई क्या बोलूँ मैं, ऐसे कौन करता है कैंपिंग। तो चलो कोई ना, यहाँ पे मैं बच गया, मेरी जान हलक में थी यहाँ पे। तो अब मैं जाता हूँ उस साइड, और उस साइड बंदे, अब देखो इनको कैसे मारते हैं। तो ये प्यारा सा हेड शॉट, और यहाँ पे मेरा टीममेट उसके नेट से नॉक हो जाता है, और मतलब थोड़ा आगे पीछे था टाइम, इसलिए मेरा टीममेट बच गया। तो अब देखो एक कैंपर और मैं मिलवाता हूँ आपको, भैया जी मतलब इन सब से आप संभल के खेला करो, ये ऐसे होते हैं कि आपका गेम पूरा ख़राब कर देंगे, एक सेकंड भी लगेगा इन्हें और आप पिल जाओगे, तो प्लीज़ ऐसे संभल के खेला करो। तो अब मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ, मेरे को जैसे यहाँ पे कोई लग रहा है कि रेंग रहा है कोई, मैंने अभी तक मेरे को कोई नहीं दिखा यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ भाई, मैं क्योंकि डर गया था वो जिस जो बंदा वहाँ फैला हुआ था। तो जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, और ये मेरे को बंदा दिख जाता है, तो ये चिकन डिनर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना,
और मैं आपसे कंटिन्यूस वीडियो डालूंगा, तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छी लगे तो कमेंट करना, और कमेंट सेक्शन में मेरे को ये ज़रूर बताना कि शॉट कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा आपको। टाइम नोट कर देना, मैं देख लूँगा, और ये और बता देना कि शॉर्ट्स ज़्यादा डालूँ या ऐसी वीडियो ज़्यादा डालूँ। तो मिलते हैं, थैंक यू गाइज़।